मैं हूँ ट्रेलर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है, लोग पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर को सराहा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स है ट्रेलर को? हाँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस तो आया है सबसे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ जानकारों ने ही बोला है बट सारे रैंडम लोगों के भी आ रहे हैं कि अगर आप नहीं भी होते मूवी में तो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये जनरली एक बहुत अच्छी पिक्चर है, अच्छी सस्पेंस आप पूरा होल्ड करके रखती है, मतलब एक्चुअली वाया कॉन्टैक्ट्स ओनली आई गॉट दिस रोल, देन आई ऑडिशन फॉर इट एंड देन वी थॉट दैट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, सो वी इन्वेस्टेड इन द मूवी एज वेल, सो आई हैव एक्टेड इन दिस एंड आई एम वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एज वेल. नहीं नहीं, दिस इज माई फर्स्ट थिंग इन दिस इंडस्ट्री. Yeah, so this is my first thing in this industry and pehla hi project hai aur I want to become an actor. Waise background to dad builder hai, unka hospital hai, properties ka kaam hai, to background to hi hai, pharmaceutical ka hai. Okay, Mehul, dosto aap kahi rahe ki aapke father aur aap involved hain, ye jo kirdar aap nibha rahe hain ye kaise hua, kyun aapne kahan kaha शर्मन बहुत ही हम्बल आदमी है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि वो उसमें उनमें वो ईगो है, वैसा कुछ है नहीं, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और जब बात करते हैं जैसे सब कुछ है, ही इज़ वेरी नाइस. आपके किरदार का नाम बताइए और क्या निभाते हैं? अभिमन्यु पांडे. उसके बारे में किस तरह का किरदार है वो? वो एक मिस्टीरियस किरदार है, आपको दिखेगा कि वो प्यार भी बहुत करता है और उसके अलग साइड्स भी है ट्रेलर में देखा जाए तो कुछ कह नहीं सकते, उसे एक सस्पेंस है. या आई हैव डन दिस समर कोर्स फ्रॉम बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो एंड स्कूल में ड्रामा एड्स स्पूफ एंड ऑल स्मॉल थिंग्स, नथिंग बिग इन एक्टिंग इंडस्ट्री. ओके महमूद, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था इस फिल्म में काम करते वक्त, क्या चैलेंजिंग रहे आपके? चैलेंजेस क्योंकि शूटिंग से एक दो दिन पहले मुझे पता चला मेरा जो फर्स्ट शॉट है वो बाइक पे है, बाइक चलानी, और मेरे को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो उसके बाद वही एक दो दिन के अंदर जितनी बाइक सीख सकता था सीखी, मल्टीपल रीटेक्स हुए बट जैसे तैसे चला ली बाइक. ओके मैं हो सकता है मैं अपने आपको रिपीट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा कि जो किरदार आपने बना रहे हैं पांडे का, ये क्या विलन है, शर्मन जोशी का दोस्त है, शर्मन जोशी का, मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना. एक तरह से सस्पेंस है, कुछ कह नहीं सकते, ये भी हो सकता है कि मैं गंगा को लेके भागूं, ये नहीं भी हो सकता कि मैं गंगा के साथ हूँ नहीं हूँ, मेरा कुछ था नहीं था, मैं उससे प्यार करता था, उसे धोखा दे रहा था, ये एक सस्पेंस है कह सकते हो. हाँ, एक लाइक जो एक किरदार है गंगा, ये तो आपको पता ही नहीं है कि वो है भी या नहीं, तो अब जो भी मेरी भी उससे रिलेशन या स्टोरी है तो वो भी है या नहीं कुछ कह नहीं सकते, वो पिक्चर से ही देख के पता चलेगा. ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा डायरेक्टर के साथ काम करने का, क्या सीखा आपने थ्रू आउट द प्रोसेस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत हम्बल है, एकदम अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है, और मतलब ऐसे कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होने दिया, कुछ नहीं होने दिया, सब कुछ सिखाया, पहले ही एक दिन पहले बता देते थे कैसे क्या करना है रोल, और सब कुछ अच्छे से ही हुआ एकदम, मतलब अपनापन लगा बहुत. ओके, क्या आप मानते हैं आपकी सही शुरुआत है, इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा है, अच्छी शुरुआत है, अगर आप बॉलीवुड में वाकई में आगे काम करना चाहते हैं, आपको लगता है अच्छी शुरुआत है काशी के जरिए? एक अच्छी शुरुआत कह सकते हो, पर मतलब हाँ थोड़ा, मतलब रोल थोड़ा और बड़ा होता तो और बड़ी शुरुआत होती, बट अभी के लिए ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के लिए सही है. क्या तैयारियां करी आपने जिस वक्त आपको बताया गया आपका हिस्सा बनने जा रहा? बाल लंबे करने थे, दाढ़ी लंबी करनी थी कुछ कुछ सीन्स में, और
थोड़ा बनारसी टच आना था, ज़्यादा मोटा नहीं होना था, जैसे मेंटेन रखना था, बस इतना कुछ। ज़ुबान को लेके, लैंग्वेज को लेके एक खास तरह की ज़ुबान है जिस जहाँ पे पूरी स्टोरी बेस है, उसके कुछ काम किया आपने डिक्शन पे, लहजे पे? हाँ, वो उस पर जैसे वहाँ गए, सुने लोग कैसे बात करते हैं, अरे चिंता काहे करती हो, ऐसा बात करते हैं, तो अति ये वो, तो थोड़ा उसे देखा, समझा, परखा और वैसे ही बोलने लगे। पहला दिन कैसा था आपका शूट करने का? पहली बार आपने कैमरा फेस किया? वो बाइक पे ही था, तो आप खुद सोच लो कैसा था। शर्मन के साथ आपके सीन है? शर्मन के साथ मेरे सीन है। उस वो एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, क्या सीखा आपने शर्मन से, और पहला दिन आपका शर्मन के साथ? हाँ, मैं नर्वस था, बट शर्मन ने पूरा होल्ड करके समझा के रखा कि नर्वस मत हो, और नॉर्मली ट्रीट किया, तो मेरे को इतना हुआ नहीं, बट हाँ थोड़ा वो लग रहा था कि मेरे सामने एक मंझा हुआ कलाकार है और आई एम नथिंग, तो इसलिए थोड़ा हुआ, बट हो गया, जल्दी हो गया, उसमें ज़्यादा टेक्स नहीं लगे, हो गया। आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, जो आप काशी में निभा रहे हैं पांडे का, वो कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट है? अहम, काफ़ी अहम है, मतलब इस किरदार के बिना मेरे ख्याल से मूवी का सारांश और वो सब पूरी तरह पता नहीं चलता। जितनी गंगा इम्पोर्टेंट है, उतना ही पांडे का किरदार इम्पोर्टेंट है। रोल उतना बड़ा ना भी हो, बट इम्पोर्टेंट बहुत है।